खम्मा खड़ी साहब, मी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राजपूती जो ज्वेलरी होती है वो किस तरीके की होती है, क्या नाम होता है और किस तरीके से उसे पहना जाता है। अगर आप राजपूती ज्वेलरी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपको राजपूती ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस दिस लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहले राजपूती गहने के अंदर आती है रखड़ी, और रखड़ी जो होती है वो सुहाग का प्रतीक भी होती है। तो ये जो मेरी रखड़ी है इसके अंदर क्या है कि तीन साइड से ये है, जो फर्स्ट साइड है इसको हम ऐसे लगाते हैं एंड इसके अंदर ऊपर हुक है तो उसे क्या है कि वो क्लोज हो जाता है। साथ में जो नीचे है, नीचे धागे इसमें दिए गए हैं, इससे क्या करते हैं कि लास्ट में नीचे इसको बांध लेते हैं। कई लोगों की रखड़ी के अंदर ये चीज़ नहीं होती या फिर सिर्फ ये चीज़ होती है, मैंने ये तीनों को लगवाना पसंद किया। आप किसी भी लोकल सुनार जो आपके आसपास में है उनसे लगवा सकते हैं, वो इजीली आपको लगवा के ला के दे सकते हैं। मुझे भी मेरे सुनार जो है उन्होंने ही लगवा के दी थी ये। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट इसको चूड़ा बना के और यहाँ पे पीछे से बांध लेना है। रखड़ी के बाद में बारी आती है शीश फूल की, और शीश फूल होता है कुछ ऐसा, इट्स लाइक अ हेड गियर और लाइक अ हेयर बैंड टाइप ऑफ थिंग। इसके अंदर भी नीचे धागे दिए हैं, इसको भी हम इसी तरीके से बांध सकते हैं। ये जो है रखड़ी के जस्ट पीछे यहाँ पे लगता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे, एंड इसको भी सेम मैं रखड़ी की तरह ही बांध लूंगी। जो फूल है बड़ा वाला ये यूजली रखड़ी के पीछे आता है और फिर दो छोटे फूल साइड्स में आते हैं, कई में तीन होते हैं, कईयों में पांच होते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी शीश फूल में क्या डिज़ाइन है। अगर आप रखड़ी और शीश फूल की जो हेयर स्टाइल्स उनके बारे में और जानना चाहते हो, आप मेरी जो रखड़ी शीश फूल की हेयर स्टाइल की वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो फिर आते हैं ऑर्नामेंट्स, जो है हार जो यूजली हम राजपूतों में पहने जाते हैं वो होते हैं ये चिक और चोकर व्हाटएवर। तो ये चिक आते हैं, मैं जो पहनने जा रही हूँ वो मैं पहनने जा रही हूँ ये हार एंड इयररिंग्स ऑब्वियसली। एंड फिर बारी आती है नथ की। नथ के अंदर बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी, बट ये जो नथ है ये मेरी शादी की नथ है एंड आई रियली लाइक इट। खुद ही शादियों में लड़के वालों की तरफ से यूजुअली आर्ट करके गहना आता है, इसकी फोटो मैं आपको दे दूंगी। फिलहाल अभी मेरे पास में मेरी आर्ट जो है वो अवेलेबल। तो सबसे पहले हमारे हाथ के गहने के अंदर आती है पोंछी। ये जो पोंछी होती है इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेसलेट। कहाँ पहनना होता है, इसके जो चूड़ा होता है इसके अंदर फिर जोड़ों को छोड़ दीजिए और एग्जैक्टली ये जो चूड़ा है इसके बीच से आपको पहनना होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए कि इसको बंद करने के लिए इसको आपको इसके अंदर फिट बेटर होगा कि आप इसको ऊपर की तरफ से पहने तो आपको ईजी रहेगा इसको बांधने में। फिर जो ये थ्रेड दिया है इसको हमें इसके ये जो गोला सा है यहाँ पे इसको गोल गोल घुमाना है सो देट कि हमारी जो पोंछी है वो सिक्योर रहे, गिरे नहीं बीच में। इसको अच्छे से टाइट करके आपको घुमाना है लाइक दिस। तो ये जो आपकी पोंछी है ये सिक्योर हो गई है। अब बात करते हैं बंगड़ी की, और बंगड़ी एक तरह का सोने का कंगन टाइप का होता है जिसके ऊपर ऊपर जो है छोटे छोटे बीड्स टाइप के लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसको पहनने के लिए क्या होता है कि इस तरीके से कुछ होता है, और इफ यू कैन सी ये जो आपको दिख रहा है ना लॉक आपको दिख रहा है, इसको इसके अंदर फिट करना होता है और फिर ऊपर से इसको पुश करना होता है सो देट क्या होता है कि बंद हो जाती है। तो ये अच्छे से सिक्योर नहीं हो पाती, इसलिए यूजुअली राजपूती लेडीज क्या करती हैं कि ये जो मूली एक थ्रेड आता है उसको क्या करती हैं कि इसके अंदर जो आपको स्पेस दिख रहा है ये छोटा छोटा सा, इसके अंदर से इसको इन करके और फिर दोनों को अच्छे से टाइटन कर देती है, पूरा अच्छे से बंद हो जाता है। ये बेटर रहेगा कि आप किसी की हेल्प ले लें इसको पहनने में सो देट कि आपको इजीली पहन पाए। तो दोनों हाथों के अंदर जो है मैंने बंगड़ी पहन ली है, इफ यू कैन सी, इसको बंगड़ी बोलते हैं और इसको पोंछी बोलते हैं। अब बारी आती है बाजू की, जो यहाँ पे पहना जाता है। ये बहुत सारे डिजाइन में आता है बट जो कॉमन डिजाइन है जो राजपूतों में पहनी जाती है वो डिजाइन होती है ये। इसके अंदर लंबी लंबी डंडिया टाइप की होती है, इसको अरेंज किया जाता है, फिर इसकी पुवाई होती है, अंदर थोड़ा वेलवेटी कि कंफर्टेबल रहे। और इसको बंद करने के लिए क्या होता है कि इसको पहनते हैं और फिर इसमें गांठ है तो इसको इस तरीके से कुछ खिसकाएंगे तो ये क्या होता है सिक्योर हो जाता है कि आप इसको खींच भी सकते हैं और इसी तरीके से इसको बंद भी कर सकते हैं। अब है ये जो है ये है लूम,
मतलब कि ये जो आपने देखी होगी कई पोशाकों के साथ में, ये जो है लटकती रहती है जब हम डांस वगैरह करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। तो ये जो मेरा बाजू है इसको मैं पहन लेती हूँ फॉर शोइंग यू। बिल्कुल जो ये वर्क है थोड़ा सा इसके जस्ट ऊपर मैं इसको पहन लूंगी, यू कैन सी आप पूरी तरीके से रेडी हो गए और बस आपको निकलना है तो जस्ट उससे पहले पहनिएगा, क्योंकि इसको पहनने के बाद में यू जस्ट कांट वर्क और यू जस्ट कांट डू एनी अदर थिंग्स। इसको पहनने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले इनके रिंग्स को पहन लीजिए, फिर उसके बाद में इसको बंद कीजिए। इससे क्या होगा कि ये इजीली पहना जाएगा, नहीं तो अगर आप पहले ब्रेसलेट को बंद करेंगे फिर रिंग्स को पहनेंगे मतलब ये इतना आसानी से नहीं पहना जाएगा। बहुत ही आराम से इसको पहनिएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसके नग वगैरह बहुत ही जल्दी जल्दी झड़ जाते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से पहनना होता है। ये जो मैंने आपको पूरा गहना जो है पहन के दिखा दिया है, पहली वाली वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपनी पूरी ज्वेलरी पहन के दिखाइए, तो मैंने पूरा अपना ज्वेलरी जो है पहन के दिखाया है। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खमा घनी साहब।